उस पे हमें वर्क करना है कि किस ढंग से हम आय बढ़ा सकते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन हम समय पे दे पाए, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं बीच में। गवर्नमेंट हमें जो है ग्रांट भी दे रही है, हमने सरकार का भी आभार जताया है कि वो लगातार HRTC को रन करने में मददगार हो रही है, लेकिन उसके साथ ही हम भी सरकार के जो भी निर्देश हैं उनका पालन कर रहे हैं। जैसे फ्री कंसेशंस हैं, ये सरकार की कमिटमेंट है, लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं उसको। और उसके बाद अन इकोनॉमिकल रूट्स हैं जो कि घाटे पे रूट चल रहे हैं, और हम वेलफेयर स्टेट हैं, हमें लोगों को अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचाना है, तो वो रूट्स का भी बहुत बड़ा घाटा हमें हो रहा है। और उसके बाद जो है हमें कर्मचारियों को पे कमीशन भी देना है और OPS भी देनी है। वो सारी चीज़ें उस प्रेजेंटेशन में आई हैं कि किस पे कितना खर्चा हो रहा है किस पे, और हमें सरकार जो है लगभग 700 करोड़ रुपया के आसपास पर एनम दे रही है, और सरकार के निर्देश पे जो हमारा खर्चा हो रहा है वो 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन ठीक है, एक कॉर्डियल रिलेशन में हम इसको कर रहे हैं क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, और यहाँ पे ना तो कोई हवाई सेवा है ना ही कोई रेल सेवा है, और सारा दारोमदार बसेस पे ही है, और उसमें भी HRTC पे बहुत है। तो HRTC को आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए, तो उसके दूरगामी कदम क्या उठाए जाएं कि HRTC एक वायबल ऑर्गेनाइजेशन बने और आत्मनिर्भर बने, आत्म सक्षम बने, और साथ ही साथ जो है हम अपने कर्मचारियों का वेलफेयर, अपने पेंशनर्स का वेलफेयर, वो हम किस ढंग से कर सकते हैं। तो ये बातें हुई हैं, और इसके साथ ही कुछ इश्यूज हैं जिन पे HRTC का प्रबंधन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो है इजाज़त मांगता है, वो सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं। लेकिन डेली वेजेस को हमने 375 रुपये मिलते हैं, 400 देने का फैसला किया है। तो दूरगामी